हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास बाय शुभम। सो दिस इज अवर पार्ट थ्री ऑफ द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो दोज हु हैवंट वॉच्ड द पार्ट वन एंड द पार्ट टू, प्लीज वॉच देम फर्स्ट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं आएगा। तो ये लिंक में है, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। चलिए तो लेट्स प्रोसीड विद अवर क्लास। ओके, वी विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट टू क्लासेस। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सी व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट क्लास इज शेयर्स वर इशूड एट अ पार। इन द सेकेंड क्लास वी प्रोसीडेड विद शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम। ठीक है, हमने पहली क्लास में देखा कि शेयर पार पे इशू होते तो क्या जनरेट्री होती है, क्या प्रोसेस होता है। फिर हमने कल की क्लास में देखा, मतलब पार्ट टू में देखा था कि शेयर अगर प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। देखो क्या होता है, हमने देखा था प्रीमियम पे क्या, प्रीमियम का मतलब क्या होता है। फेस वैल्यू के ऊपर जो भी अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो हमने देखा था IRCTC का एग्जाम्पल हमने लिया था, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया था हमने IRCTC का। IRCTC के केस में मैंने बताया था आपको क्या हुआ था कि उनका जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर था, फेस वैल्यू आप लोगों को पता होगा जो लिखा होता है फेस पे। हमने एग्जाम्पल लिया था 500 रुपये का नोट, उस पर लिखा होता है 500 रुपये, तो वो 500 रुपये का ही है। अगर वो 600 का बिक रहा है, इसका मतलब वो प्रीमियम पे बिक रहा है, वैल्यू अबव द फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं IRCTC के एग्जाम्पल पे। IRCTC का जो शेयर था वो था 10 रुपये का, लेकिन कितने का इशू किया गया, वो इशू किया गया 320 रुपये का। इसका मतलब 310 रुपये, 310 रुपीज़ क्या है, वो अप एंड अबव द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी शेयर की, 10 रुपये है, लेकिन बिका कितने का, 320 का। तो 310 रुपये जो है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो 10 रुपये है वो है शेयर कैपिटल। देखो हमने पहली क्लास में पढ़ा था शेयर कैपिटल के चार बच्चे थे, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। और फिर दादाजी की एंट्री हुई थी हमारी कल की क्लास, मतलब पार्ट टू में। ठीक है, दादाजी क्या थे, जो पापा के ऊपर, पापा कहाँ तक के थे हमारे, फेस वैल्यू तक के, फेस वैल्यू के ऊपर जो था वो दादाजी थे। फिर हमने एक क्लास में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था अपना, डिंचैक पूजा वाला, जिसमें खुशी लिमिटेड ने शेयर इशू किए थे। ठीक है, तो डिंचैक पूजा ने क्या किया था, 1000 शेयर खरीदे थे। खुशी लिमिटेड ने जो शेयर इशू किया था ना, वो किया था 10 रुपये का शेयर था और 2 रुपये के प्रीमियम पे किया था। मतलब डिंचैक पूजा के लिए कितने का पड़ रहा है, वो 12 रुपये का पड़ रहा है, 10+2। ओके, तो फिर हमने देखा था कि क्या होता है, जो 10 रुपये है जो पापा का है वो तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो 2 रुपये है वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। फिर हमने देखा था जिस एंट्री में भी दोनों आ रहे होंगे, ठीक है, जिस मतलब जिस बच्चे के पास दोनों आ रहे होंगे, जहाँ पे दादाजी ने भी बोला होगा, जहाँ पे पापा ने भी बोला होगा, तो बच्चा दोनों को जाके दे देगा। हमारे एग्जाम्पल में अलॉटमेंट में हुआ था कि अलॉटमेंट हमारी 4 रुपये की थी, वहाँ पे 2 रुपये का था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो मैं कहता 4-2 हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बाकी बचा था वो पापा का हिस्सा बचा था शेयर कैपिटल का। ठीक है, देखिए हम जनरल एंट्री एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, आपको जनरल एंट्री याद होनी चाहिए, आप मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है बच्चों, हम दोबारा बोलेंगे सब लोग साथ में, ठीक है, चलो आपको याद हो जाएगा, बोलने से ना चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, चलिए हम याद करते हैं फिर से। देखो एंट्री क्या होती है, वेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या एप्लीकेशन मनी मिलती है तो एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखनी जरूरी है, याद है, इसकी नरेशन क्या आएगी, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, देन पैसा मिल गया, अब हम क्या करेंगे, पापा को देंगे, तो एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अब अलॉटमेंट देखते हैं, अलॉटमेंट में हम प्रीमियम भी देख लेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, जैसे ही पैसा मिलेगा हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अब फर्स्ट कॉल में एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर शेयर सेकंड कॉल को हम ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सॉरी कॉल मनी ड्यू। फिर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है, बैंक शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। चलो ठीक है, हमको वो पूरा हो गया, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, देखो ये आपको दिख रहा है वो 40 लाख रुपये मांग रहा है, और वो नीचे बोल रहा है अक्षय कुमार कि भाई मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पास क्या है, एक स्कीम है। ठीक है, ओके, तो उत्तल सेठ क्या बोल रहे हैं 40 लाख, और अक्षय कुमार बोल रहा है एक स्कीम है। तो ये मीम है ना, आपने देखी तो होगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों है आपको बताता हूँ। देखो आप अपने हेडिंग पे ध्यान दो, हेडिंग क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, मतलब बदले में। ठीक है, किसके बदले में, मतलब शेयर के बदले में, अदर देन कैश, मतलब लेकिन कैश के अलावा हम कुछ दे रहे हैं।
हम जैसे कोई सामान खरीदते हैं ना, आप जैसे कोई सामान खरीदते हो तो आप नॉर्मली पैसे देते हो ना, आप पैसे के बदले में कुछ दे रहे हो। आपने अपने दोस्त से, दोस्त के पास आईफोन था, आपने उसका आईफोन खरीदा और अपना आपने वन प्लस दे दिया, तो ये क्या हुआ? पैसे के अलावा आपने फ़ोन खरीदा। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि आप शेयर दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो। देखो ये क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ ये जो मैंने क्यों लिखी है, ये पिक्चर्स क्यों बनी हुई। देखो हुआ क्या, अक्षय कुमार की कंपनी थी, अक्षय कुमार की कंपनी थी, उसका नाम था अक्षय लिमिटेड, ठीक है। ये एग्जांपल भी है आगे, हम इसको पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं इसके, तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों लोग, ठीक है। देखो क्या हुआ, अक्षय कुमार की कंपनी थी, अक्षय कुमार की कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी तोतला सेठ से। किससे खरीदी बिल्डिंग? तोतला सेठ से बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग कितने की है? 40 लाख की है, 40 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, ओके। अब बिल्डिंग 40 लाख रुपए की है, 40 लाख की है। अक्षय कुमार बोलता है, अक्षय कुमार की कंपनी वो बोलती है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, आप ऐसा करो हमारी कंपनी के शेयर दे दो, हम आपको अपनी कंपनी के क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। जैसे अभी तक हमने नॉर्मल एंट्री पढ़ी थी, वहाँ क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता था ना, फिर वो पैसा ट्रांसफर होता था। तो यहाँ पे बैंक की एंट्री तो आने वाली नहीं है, क्योंकि लिखा है अदर देन कैश, मतलब पैसा तो नहीं आएगा। पैसे के बदले में हमने क्या इशू कर दिया? पैसे के बदले हमने दे दिया शेयर, ठीक है। कंपनी को क्या आ रहा है? शेयर आ रहा है, ठीक है, मतलब समझिए आप लोग। देखो पहले क्या होता था, कंपनी पहले शेयर इशू कर रही थी ना बैंक के बदले में, पैसा आता था कंपनी के पास, बट अब कंपनी का पैसा नहीं आएगा, अब कंपनी के पास क्या आ रहा है? बिल्डिंग आ रहा है। कंपनी बिल्डिंग के बदले में शेयर इशू कर दे रही है, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी, कंपनी के भैया पैसे तो नहीं है, आप ऐसा करो हमारी कंपनी के हमसे शेयर दे दो, ठीक है। चलो ये हम आगे देखें, आपको और समझ में आएगा। देखो अब क्या होता है, जब हम ऐसे करते हैं तो एंट्री क्या होती है, ठीक है, अदर देन कंसिडरेशन फॉर कैश की एंट्री क्या होगी। देखो क्या होता है, जब आप एसेट परचेज करते हो, या आपने 11th क्लास में देखा था भाई, कोई भी एसेट परचेज करते हो आप, तो हमने रूल पढ़ा है ना, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे भी आपने खरीदा होगा तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, टू वेंडर अकाउंट एसेट, जो भी एसेट खरीदा होगा उसका नाम आ जाएगा। नरेशन के लिखोगे बीइंग एसेट परचेज्ड, ठीक है बेटो, बच्चों समझ में आ रहा है आपको? देखो सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो एसेट खरीदा, एसेट खरीदा, तोतला सेठ से हमने क्या खरीदा, तोतला सेठ से हमने बिल्डिंग खरीदी, तो एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन है, तोतला सेठ है। देखो समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ। देखो फिर देखो अब क्या हुआ, अब तोतला सेठ देखो शेयर इशू कर सकते हैं। हमने देखा था कि शेयर इशू होने के दो तरीके हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। देखो इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट में थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि आपके सिलेबस में है, रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, बस सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन आता है फिर हम उसको आगे देख लेंगे, ठीक है, आपको इसके लिए वीडियो निकाल दूंगा। जो अभी हम पहले इशू एट पार और प्रीमियम पे देखते हैं कि भाई अगर हम वेंडर को शेयर पार पे इशू करें तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, शेयर हम प्रीमियम पे इशू करें तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं पार पे एंट्री होगी तो क्या एंट्री होगी। देखो पार पे हम एंट्री क्या करेंगे, पार पे हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, आप वापस से चलो मेरे साथ जरा अप्लीकेशन की एंट्री पे। नॉर्मल हम जब पार्क एंट्री करते थे, देखो हम लोग एंट्री क्या करते थे, आप लोग याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते थे, और फिर अगली एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो मैं आपको बताता था ना कि एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ था, पहले ही दिन देखा था ना, हमने अंकल से पैसे लेके आप आए थे, बच्चे आए थे, बच्चे ने पापा को दिए थे, तो बच्चों का रोल तो होता नहीं है कुछ भी, है ना, तो देखो ये सेम यहाँ पे होगा। देखो होता क्या ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो क्या हो गया, वो नलीफाई हो गया। अल्टीमेटली एंट्री बचती क्या थी वहाँ पर भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बचता था कि नहीं, हाँ भाई कि हमको शेयर के बदले में क्या मिला, बैंक में ना पैसा आया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे एंट्री करी जाती है कि हमने शेयर पार पे इशू किया हमारे पास, ठीक है, पार पे इशू किया। अब देखो शेयर तुमने किसको इशू किया, कंपनी ने शेयर है किसको इशू किए, देखो कंपनी के पास वो तो आया नहीं, मतलब शेयर इशू के बैंक तो आया नहीं, पैसा तो आया नहीं, शेयर किसको इशू किए, वेंडर को किए, क्योंकि वेंडर हमारा क्रेडिटर बना दिया था। देखो पहली एंट्री जो हमने करी, एसेट जब परचेस किया, तो देखो हमने बनाया डेबिट, ठीक है, हमने बनाया डेबिट इंक्रीज इन एसेट, तो हमने एंट्री करी एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमने लाइबिलिटी बढ़ाई थी अपनी, क्रेडिटर बढ़ाया था हमने, तो हमने एंट्री करी टू वेंडर अकाउंट। देखो अब वेंडर को खत्म करना है ना, क्रेडिटर को खत्म करना है, तो क्रेडिटर को खत्म किया, तो हमने एंट्री क्या हो गई, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने उसको शेयर दिए इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो एक पार्क आपको समझ में आ गया। देखो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पे एसेट आएगा। देखो हुआ वही चीज़, हाँ कि ना, अल्टीमेटली देखो, ठीक है,
देखो अब वेंडर वेंडर कर जाएगा ना, देखो ऊपर वाली एंट्री में वेंडर कहाँ है, वेंडर क्रेडिट पे है, और नीचे एंट्री में कहाँ है, वेंडर डेबिट पे है। ठीक है चले आगे चले, आपको समझ में आया होगा। देखो एक फिर से देख लो क्विकली, देखो एसेट खरीदा तो ऐसे खरीदने की एंट्री आपने 11th क्लास में भी देखी थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे हम खरीदते हैं उसका नाम आता है टू में, जो कि हमारा क्रेडिटर बन गया है। ठीक है फिर हम उसको क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। अब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो हम 11th क्लास में हम बैंक से पेमेंट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम बैंक से पेमेंट नहीं करेंगे, हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे शेयर से। ठीक है पेमेंट किससे करेंगे बेटा, हम शेयर से पेमेंट कर देंगे, तो इसलिए एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अब अगर शेयर हमने प्रीमियम पे इशू किए, क्या हुआ शेयर किस पे इशू किया है, शेयर इशू किया प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है वेंडर को क्या मिला, शेयर मिला, और हमने उसे सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी लिया, मतलब जो शेयर 10 रुपये का था हम उसको महंगा बेच रहे हैं, तो उस केस में एंट्री ये होगी। ठीक है नरेशन लिखोगे बींग शेयर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। ठीक है ये हो गया। अच्छा देखो हो सकता है ना कि हम वेंडर को, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसको हो सकता है हम कैश भी दे रहे हों और शेयर्स भी दे रहे हों, हाँ कि ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो देखो साइड में एंट्री लिखा हुआ है ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैश एंड शेयर्स बोथ आर गिवन, आपने दोनों दे दिए तो एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, देखो डेबिट टू वेंडर भी होगा, वेंडर को मिल रहा है, वेंडर को क्या मिल रहा है, शेयर्स मिल रहे हैं, तो इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वेंडर को क्या मिल रहा है बेटा, पैसे मिल रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक शेयर्स एंड बैंक इशूड टू वेंडर, कोई दिक्कत नहीं। ओके चले देखो, चलो अब देखो ये एग्जांपल है। ठीक है अब ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में क्या हुआ, अक्षय लिमिटेड ने परचेज किया एक बिल्डिंग 40 लाख रुपए की 2 तला सेट से। ठीक है इन कंसिडरेशन इशूड शेयर्स, अब उसने अपनी कंपनी के शेयर इशू कर लिए कंसिडरेशन में, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द अक्षय लिमिटेड इज रुपीज 10 ईच, फेस वैल्यू कितनी है कि अक्षय कुमार के शेयर की, अक्षय कुमार की कंपनी के शेयर की कितनी वैल्यू है, 10 रुपए है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है हमें क्या पास करना है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पहला केस क्या है, शेयर्स इशूड एट पार, जब शेयर पार पे इशू होगा तब क्या एंट्री करनी है, शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम और ₹30, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होगा 30 रुपए के प्रीमियम पे, कितने रुपए के प्रीमियम पे, 30 रुपए के प्रीमियम पे, तब एंट्री क्या होगी। अच्छा आप लोग मेरी बात सुनो, ध्यान रखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो कितने पैसे पे करने हैं अक्षय कुमार को, तुतला सेठ को कितने पैसे पे करने हैं, 40 लाख रुपए, कितने रुपए पे करने हैं, 40 लाख। ठीक है उसका एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स द अक्षय लिमिटेड विल इशू टू द टोटल सेट, देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है तो देखो जितना पैसा देना है, जितना पैसा देना है डिवाइड बाई जितने का हम शेयर इशू कर रहे हैं, डिवाइड बाई जितने का शेयर हम इशू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हुआ, 40 लाख रुपए है। ठीक मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द अक्षय लिमिटेड टू द तोतला सेट इक्वल्स टू, ठीक है कंसिडरेशन टू बी पेड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है शेयर की वैल्यू जो हम इशू कर रहे हैं कितने की वैल्यू है, देखो अगर पार पे होगा तो वैल्यू कितने रुपए की है, 10 रुपए की है, तो ऊपर कितना आएगा, कंसिडरेशन कितनी है, 40 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए बेटा, 4 लाख। ठीक है समझ में आया, सिंपल है। देखो 40 लाख रुपए पे करने थे, 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने शेयर देगा बेचारा ये। ठीक है समझ गए आप लोग, आ गया 4 लाख शेयर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर प्रीमियम पे इश्यू हुआ तो देखो शेयर का कितने रुपए का शेयर, देखो 10 रुपए का तो शेयर था, शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का शेयर था, और कितने रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हुआ बेटा, 30 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हुआ, कितने रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हुआ, 30 रुपए के, तो क्या वैल्यू हो गई, 10 + 30 = 40, मतलब 10 + 30 = 40। अब देखो 10 तो शेयर कैपिटल में जाएगा, 10 कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, और 30 कहाँ जाएगा बच्चों लोग, 30 जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन समझ में आया, देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को रीड करना सीखना है हमने, हमने क्या सीखना है, क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली कि भाई अक्षय कुमार की कंपनी ने 40 लाख की बिल्डिंग खरीदी है तोतला सेठ से, और बदले में इशू किया है शेयर्स, तो हमको वहां से क्लिक करके भाई ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का, मतलब यहाँ पे वेंडर वाली एंट्री करनी है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये जो बवाल होता है ना, ये जो झाम होता है, ये जो प्रोसेस होता है बड़ा सा, वो यहाँ पे आने वाला नहीं है, यहाँ पे बच्चों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो बड़े ही बात करेंगे, काम खत्म। ठीक है
यहाँ पे पापा का रोल आएगा, दादाजी का भी रोल आ सकता है, और जिस बंदे से खरीदा जा रहा है उसका रोल आएगा, और किसी का रोल नहीं आएगा। समझे आप लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये आपको इलस्ट्रेशन समझ में आई ना क्वेश्चन? देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो, एंट्री क्या होगी? देखो, बिल्डिंग परचेज करी तुतला सेठ से, तो अक्षय कुमार कंपनी एंट्री क्या करेगी? देखो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी आपकी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना, एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हमने ये खरीदा है, हमने खरीदी बिल्डिंग, तो एंट्री हम क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 लाख की। बिल्डिंग कितने की थी? 40 लाख की थी। और टू तोतला सेठ अकाउंट, ठीक है, बीइंग बिल्डिंग परचेज। ओके, ठीक, ये मैं लिखा नहीं है, आप लोग लिखिएगा, बीइंग बिल्डिंग परचेज नरेशन लिखना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, अब क्या होता है, केस वन हमने देखा था, अगर शेयर्स इशूड एट पार है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो लिखा हुआ है इशूड एट पार, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इशूड एट अ प्रीमियम, क्या है? ठीक है, समझ में आया आपको? लेफ्ट हैंड साइड की साइड देखो आप, इशूड एट पार, ठीक है, पार पे इशू करेगा तो क्या होगा? प्रीमियम पे इशू करेगा तो क्या होगा? हम एंट्री देख रहे हैं, हम पहले एंट्री देखते हैं पार की। अगर पार पे इशू करेगा तो क्या एंट्री होगी? देखो, एंट्री क्या होगी? तोतला सेठ अकाउंट डेबिट। देखो, हमने क्या एंट्री देखी थी? एंट्री होती है ना वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी? तोतला सेठ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का हमने बिल्डिंग थी? 40 लाख रुपए की, तो 40 लाख रुपए पे कर दिया। देखो, अब नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, तो देखो क्या लिखा है मैंने वहां पे, बीइंग 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो नंबर कैसे निकाले मैंने, 40 लाख थे और ₹10 का एक शेयर, तो 40 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया? 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं लिखा बीइंग 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? देखो फिर से, देखो क्या हुआ, देखो हमने एंट्री वहां देखी थी, एंट्री क्या होती है हमको, देखो हमने तोतला सेठ से खरीदा था, देखो ऊपर एंट्री देखो, पहले परचेज की, परचेज किया तो तोतला सेठ हमारा क्रेडिट हुआ था, हमारा क्रेडिटर बढ़ा था, अब हम क्रेडिटर को खत्म कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज इन लाइबिलिटी कर रहे हैं। डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है हमारा डेबिट, तो हम तोतला सेठ को डेबिट किया, हमने 40 लाख का तोतला सेठ उनका क्रेडिट हुआ था, हमने उसको डेबिट किया, तोतला सेठ खत्म हो गए, तो बचा क्या अल्टीमेटली? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 लाख। 40 लाख, हाँ कि ना? हाँ। ठीक है बच्चों, आप लोग देखो मुझे कमेंट सेक्शन में ना बताते रहा करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है, और जो इतने भी देख रहे हैं ना इसको, सब लोग सब्सक्राइब करें। ओके, और आप लोग नोटिफिकेशन का ना बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जब वीडियो आती है तो आपको पता चलता रहे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, देखो प्रीमियम पे होगा तो एंट्री क्या होगी? तोतला सेठ अकाउंट डेबिट, तोतला सेठ को तो 40 लाख मिल रहे हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ था, मैंने देखा था ना शेयर जो इशू हुआ था प्रीमियम पे, वो ₹30 के प्रीमियम पे था। कितने के प्रीमियम पे था? ₹30 के प्रीमियम था, और ₹10 का शेयर था, मतलब शेयर टोटल कितना था? 40 रुपये का हो गया था। तो देखो आप, देखो पहले आप नरेशन में आओ, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 40 लाख रुपए देने हैं तोतला सेठ को, और एक शेयर कितने रुपए का हो गया? आप 40 रुपए का हो गया। देखो 10 प्लस 30 हो गया ना 40 रुपए, मतलब हम एक शेयर में लेने तोतला सेठ से लेंगे 40 रुपए। अक्षय लिमिटेड इज रिकवरिंग ₹40 फ्रॉम द तोतला सेठ, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विद द अक्षय लिमिटेड इशू टू तोतला सेठ? तोतला, ठीक है, तोतला सेठ कितने रुपए देंगे उसको बेचारे को? ठीक है, कितने शेयर देंगे देखते हैं, तो क्या आएगा? 40 लाख डिवाइडेड बाई 40, तो कितना हो गया? 1 लाख। तोतला सेठ को कितने रुपए मिलेंगे टोटल? 1 लाख मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? ओके चलो, अब देखो 1 लाख मिलेगा, तो अब एंट्री क्या करोगे? तोतला सेठ अकाउंट डेबिट, तोतला सेठ को रुपये तो 40 लाख मिल गए, और टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल कितने का था? 10 रुपये का था। फेस वैल्यू कितने की थी बेटा लोग? 10 रुपये थी, और कितने शेयर इशू किए हैं हमने? 1 लाख, तो शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई ₹10, तो डेट कंस्टिट्यूट 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल है ना, समझ आ रहा है? हाँ। देखो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का था बेटा? दादाजी के पास कितने रुपए जा रहे थे? अबाउट द फेस वैल्यू जो भी होता है वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो दादाजी के पास कितने रुपए जा रहे थे? 30 रुपए जा रहे थे, तो एंट्री क्या होगी? 1 लाख इंटू 30, 30 लाख। कोई दिक्कत नहीं, इट वॉज सिंपल। ठीक है, देखो एक फिर से हो गया, ये समझ में आया? नरेशन लिख दोगे, बीइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश को हम सिंपल लैंग्वेज आपको समराइज कर सकते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को। ठीक है, क्या होगा इस टॉपिक में? हम कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी पेमेंट कर रही है, कंपनी को जब पेमेंट करना था, कंपनी पेमेंट के बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे देगी, कंपनी अपनी कंपनी के क्या दे देगी? शेयर्स दे देगी। ठीक है, ओके, जैसे कंपनी अपने शेयर्स दे देगी, तो उसमें होगा क्या, हम जो एंट्री करेंगे ना वो वेंडर के पास जाएगा पैसा, और जब पैसा पे करना है ना, वो दो तरह से पे कर सकते हैं, या तो शेयर हमारा पार पे इशू होगा, या शेयर हमारा प्रीमियम पर इशू होगा।
ठीक है, ओके, चलिए आगे आपको समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग क्या कर रख लीजिएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं वीडियोस ना छोटे बना रहा हूँ, जान मुझ के छोटे बना रहा हूँ, अभी आप लोगों को उतना पढ़ने का मन नहीं करता होगा या कुछ भी है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये शेयर्स का चैप्टर बड़ा है तो हम डेली डेली एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं। देखो हमने पहले इश्यू ऑफ शेयर से पार खत्म किया, हमने इश्यू ऑफ शेयर से प्रीमियम खत्म किया, अब हमने क्या किया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश खत्म किया, ठीक है। और हम एग्जांपल भी कर रहे हैं और डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपका पूरा याद रह रहा होगा पीछे का। अगर आप देखते हो कि मैं आपको कंटिन्यू एक बहुत बड़ी क्लास दूंगा ना तो आपको लगेगा यह बहुत हैवी हो रहा है। देखिए आपके लिए ये क्लास भले 20 मिनट की या 25 मिनट की जितने मिनट की हो पाती है, ठीक है। आप अगर मेरी नज़र से देखो, अगर मैं आपको ये चीज़ लिखाऊंगा, आप अपनी कोचिंग जाते हैं, आप वहाँ पर लिखते हैं, टीचर आपको ये क्वेश्चन लिखेगा तो ये एक घंटा ले लेगा। तो आप ये मत सोचना कि हम 20 मिनट बस पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ पूरा रहे हो, बट मेरी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ लग के। तो आप लोग भी मेरे साथ दो, लोगों को और बताओ इसके बारे में, शेयर करो इसको, सब्सक्राइब कराओ लोगों को, ठीक है, ताकि और भी लोगों को मदद हो सके, ठीक है। और आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ो। देखो क्या करना, एक बार डाउनलोड करो इसको, डाउनलोड करो। मैं चाहता हूँ ना ये जो वीडियो लेक्चर का है ना, आपके लिए टाइम हमेशा कम होता रहे। आप इसको पहले 1 पे देखो, फिर आप इसको 1.25 पे सुनो। देखो क्या होता है, बस आप कान पे लगाओ सुनो। आप मैं आपको इतने मज़े से पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको सुनते सुनते अकाउंट से याद हो जाएगा। हमें अकाउंट से खेलना है, ठीक है। हमें रट्टू तोता नहीं बनना कि भाई हम रटेंगे, नहीं, हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से जाते हैं। देखो हम देख रहे हैं ना कितना, अब अगर आपको मैं यहाँ पे बोलता हूँ, हमें क्लास की बात करें, मतलब पहली क्लास अगर हम देखें इशू ऑफ शेयर सेट पार, तो हमको याद आएगा नेहा धूपिया है ना, पार पे था, उसने खरीदा था। सेकंड क्लास हमने देखा था रिंचेक पूजा, वो प्रीमियम पे दी थी। फिर हम आज की क्लास को याद रखेंगे तुतला सेठ और अक्षय कुमार, पैसा लाया, ठीक है, स्कीम है मेरे पास, तो ये आपको याद रहेगा। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इन सबको आपको पिक्चर्स ना दिमाग में रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो चलो आप लोग ध्यान रखो अपना, कोरोना वायरस चल रहा है, घर पे रहो, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है, पढ़ते रहो, ओके, चलो ठीक है, और सीखते रहो, ठीक है बच्चों, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।